नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक्नो आईटी यूट्यूब चैनल में। आज फिर से लेकर आए हैं हम 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के भाग चार। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्क्रैपर या खुरचनी कौन से धातु से बनी होती है? स्क्रैपर होती है जो पुरानी रेतियों से भी बनाए जाते हैं और हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। दोनों सही है, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेती कौन सी धातु से बनी होती है? अभी स्क्रैपर का पूछा था, अब इन्होंने पूछ लिया रेती कौन सी धातु से बनी होती है। तो दोस्तों, रेती अपनी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और टूल स्टील की भी बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल बिट कौन सी धातु से बने होते हैं? जो ड्रिल होती है, अपन जो ड्रिल करने के लिए काम में लेते हैं, ड्रिल बिट जो ड्रिल मशीन पर काम आती है, वो हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और टूल स्टील सभी की बनी होती है। इसलिए इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सा फ्रेम कौन सी धातु से बने होते हैं? हेक्सा फ्रेम माइल्ड स्टील के बने होते हैं, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, मृदु इस्पात के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेधात्मक चिन्ह की बाउंड्री कौन से रंग की होती है? दोस्तों, निषेधात्मक चिन्ह बने होते हैं जो गोल आकृति में बने होते हैं और ऐसे क्रॉस किए होते हैं, उनकी बाउंड्री लाल कलर की होती है और इसका राइट आंसर है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेधात्मक चिन्ह कौन सी आकृति में बने होते हैं? अभी बताया था निषेधात्मक चिन्ह गोलाकार आकृति में और क्रॉस किए हुए होते हैं, तो इसका राइट आंसर है गोलाकार क्रॉस किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतावनी चिन्ह कौन सी आकृति में बने होते हैं? दोस्तों, वो चिन्ह जो वार्निंग देते हैं और चेताते हैं, वो त्रिभुजाकार आकृति में बने होते हैं, इसका राइट आंसर है त्रिभुजाकार आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनात्मक चिन्ह कौन सी आकृति में बने होते हैं? जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, सूचनात्मक चिन्ह होते हैं वर्गाकार या आयताकार आकृति में, तो इसका राइट आंसर है वर्गाकार आकृति, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार आकृति को क्रॉस किए हुए कौन से चिन्ह बने होते हैं? अभी अभी जस्ट बताया था कि गोलाकार आकृति को ऐसे क्रॉस करके कौन से चिन्ह बने होते हैं, तो वो इसका राइट आंसर है निषेधात्मक चिन्ह, बताया था ना, निषेधात्मक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस के स्पिंडल में कौन सी चूड़ियाँ कटी होती हैं? बेंच वाइस के स्पिंडल में या स्क्रू जैक के स्पिंडल में हमेशा स्क्वायर चूड़ियाँ कटी होती हैं, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, स्क्वायर चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन के लीड स्क्रू में कौन सी चूड़ियाँ कटी होती हैं? लेथ मशीन का लीड स्क्रू होता है जो कैरेज को गति, ऑटो गति प्रदान करता है, उसमें एक में चूड़ी कटी होती हैं, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटरेस चूड़ी का कोण कितने डिग्री का होता है? बटरेस चूड़ी दोस्तों इस तरीके से बनी होती हैं, ये बटरेस चूड़ी बनी होती है इस तरीके से, तो ये वाला कोण होता है 90 डिग्री का और ये तिरछा वाला कोण होता है, ये होता है 45 डिग्री का, तो इसका राइट आंसर है 45 और 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसमिशन और भारी कार्यों में कौन सी चूड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, पावर ट्रांसमिशन, भारी कार्य और स्क्रू जैक इन सभी में स्क्वायर चूड़ी का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, स्क्वायर चूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे की कपलिंग में कौन सी चूड़ी का प्रयोग किया जाता है? बहुत बार बताया दोस्तों, रेलवे की कपलिंग में नकल चूड़ियाँ बनी होती हैं, इसका राइट आंसर है सी, नकल चूड़ियाँ, ये लोड अच्छा ले लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चक ऑटो चक कहा जाता है? ऐसा चक जिसको एक साइड से कसें तो सारे जा उसके एक साथ कसे जाएं या खोलें, तो ऑटो चक के नाम से हमेशा थ्रीजा चक को जाना जाता है, ऑटो चक के नाम से थ्रीजा चक, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार क्या है? प्राथमिक उपचार, ये पहला ऑप्शन बोल रहा है चिकित्सक से आने से पूर्व का किया गया उपचार, बी ऑप्शन है चिकित्सक के आने के बाद का किया गया उपचार, सी ऑप्शन है हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद में किया गया उपचार, ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर है चिकित्सक के आने से पूर्व में
किया गया उपचार, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कौन सा यंत्र काम करता है। रैक और पिनियन के सिद्धांत पर यह रैक होती है और इस तरीके से पिनियन होते हैं उस पर, तो इसके सिद्धांत पर काम करता है, इसका राइट आंसर है डायल टेस्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा फ्रेम का विंग नट किस धातु का बना होता है। दोस्तों विंग नट जिसको फ्लाई नट भी बोलते हैं इस तरीके से बना होता है, फ्लाई नट या पंखुड़ी नट बोलते हैं, ये ढलवा लोहे का बना होता है, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढलवा लोहा कास्ट आयरन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थंब नट को किस अन्य नाम से जाना जाता है। थंब नट जो अपने उसमें होता है हेक्सा फ्रेम में लगाया जाता है, हेक्सा फ्रेम में लगाया जाता है, उसे पंखुड़ी नट भी बोलते हैं, फ्लाई नट भी बोलते हैं, विंग नट भी बोलते हैं, इसका राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्माप्रोडाइट किस कैलिपर का अन्य नाम है। तो हर्माप्रोडाइट, जैनी कैलिपर भी हर्माप्रोडाइट को बोलते हैं, ओडलेक कैलिपर भी हर्माप्रोडाइट बोलते हैं, या मुड़े टांग वाला कैलिपर भी हर्माप्रोडाइट को बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ए और बी दोनों, दोनों ऑप्शन इसके राइट आंसर हैं। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक भी करें।